एक पुलिस स्टेशन में एक कमरा था जहाँ कैदियों को रखा जाता था। एक दिन उस कमरे में कल्लू चोर और एक खूनी लल्लन सो रहे होते हैं। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। लल्लन की नींद खुल जाती है। वो ऊपर दीवार की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? अरे कल्लू जल्दी उठ के देख, वो सुनीता की आत्मा वापस आ गई है। अरे कमबख्त जल्दी उठ, अरे मर गया रे। फिर कल्लू भी उठ जाता है और उस चुड़ैल को देखकर कांपने लगता है। अरे चुड़ैल जी, आप वापस आ गई, मुझे छोड़ दो, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपका खून तो इस कमबख्त लल्लन ने किया था, आप इसकी जान ले लो और मुझे छोड़ दो, मैं तो यहाँ छोटी मोटी चोरी की सजा काट रहा हूँ। हाय रे, अरे दरोगा साहब, आप कहाँ हो, जल्दी आओ, वो देखो सुनीता भाभी लौट आई है, जल्दी आइए। फिर दरोगा भागता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और उस चुड़ैल को वहाँ देख कर चौंक जाता है और उस चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हे चुड़ैल जी, मैं जानता हूँ इस लल्लन ने धोखे से आपका खून किया था, इसीलिए आपकी आत्मा भटक रही है। आप कानून पर विश्वास रखिए, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं इसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। ए दरोगा, कान खोल के मेरी बात सुन ले, अगर इसे कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली तो मैं वापस जरूर आऊंगी। फिर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे दरोगा साहब, मुझे इस नाच मीटे खूनी के साथ नहीं रहना, वह चुड़ैल इसके खून की प्यासी है, आप मुझे किसी और कमरे में बंद कर दीजिए, मुझे इसके साथ यहाँ नहीं रहना। तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ, कल इसे सजा जरूर मिलेगी। फिर अगला दिन होने पर दरोगा लल्लन को जंजीरों से बांधकर गांव में बने न्यायालय ले जाता है और कुछ देर बहस होने पर आखिरकार सबूतों के अभाव में उसे एक दिन के अंदर अंदर जेल से रिहा करने का आदेश मिलता है। अरे बच गया रे, मैं तो बच गया। ए दरोगा, अब जल्द से जल्द मुझे जेल से रिहा कर दे। फिर दरोगा निराश मन से उसे वापस जेल ले जाता है जहां कल्लू बेसब्री से उसकी सजा की खबर सुनने का इंतजार कर रहा होता है। क्यों रे, हो गई तुझे सजा? तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए थी। अरे मैं तो बच गया रे, बस एक दिन और, फिर मैं यहाँ से आजाद पंछी बनकर उड़ जाऊंगा। कल्लू, इसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, हमें इसे कल रिहा करना ही पड़ेगा। दरोगा साहब, आप भूल गए क्या, वो चुड़ैल ने क्या कहा था, अब वो वापस जरूर आएगी और मैं इसके साथ यहाँ नहीं रह सकता। फिर दरोगा निराश मन से कल्लू की बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मजा ही आ गया। अरे नाच मिटे, ये तेरी खुशी बस कुछ ही पलों की है, बस रात होने दे, फिर देख वो चुड़ैल तेरा क्या हाल करती है। कोई चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं किसी से नहीं डरता। फिर रात होने पर कल्लू और लल्लन सो रहे होते हैं, तभी वो चुड़ैल लौट आती है। उसकी डरावनी डरावनी आवाज सुनकर कल्लू की नींद खुल जाती है। अरे नाच मिटे, जल्दी उठ, देख तेरी मौत सामने ही खड़ी है, जल्दी उठ। अरे मर गए रे, ये कहाँ से आ गई, हाय रे, अब कहाँ जाऊँ। लल्लन, तू अभी तक जिंदा कैसे है, तुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था, तुझे अभी तक सजा क्यों नहीं हुई। चुड़ैल जी, एक बहुत बुरी खबर है, इस लल्लन को सबूतों के अभाव के कारण सजा नहीं हो पाई, अब ये कल जेल से छूट जाएगा।
क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं लल्लन, ऐ लल्लन, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं खुद तुझे सजा दूंगी। वही रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर चुड़ैल लल्लन पर हमला कर देती है, लेकिन आत्मा होने की वजह से वो चुड़ैल लल्लन को छू नहीं पाती। वो उस पर बार बार हमला करती है, लेकिन लल्लन का बाल भी बांका नहीं होता। अरे बच गया, अरे ये चुड़ैल तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। है चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब मैं तुझसे नहीं डरता। ये नहीं हो सकता, मैं इसे छू क्यों नहीं पा रही, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इतना शोर शराबा सुनकर वो दरोगा भी वहाँ पहुँच जाता है। वो भी उस चुड़ैल को वहाँ देखकर चौंक जाता है और हवालात का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैं इसे सजा नहीं दिलवा पाया। ए दरोगा, तू क्या आज मुझे कोई सजा नहीं दे सकता? ये चुड़ैल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर मौके का फायदा उठाकर वो जेल से भाग जाता है। अरे भागो रे भागो, ये चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब मैं आजाद हूँ। फिर दरोगा और कल्लू भी उसका पीछा करने लगते हैं। ए नल्लन रुक जा, तू ये सही नहीं कर रहा है, रुक जा। फिर लल्लन भागता भागता उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसने सुनीता को पहाड़ी से नीचे धक्का देकर मार डाला था। उसका पीछा करते करते कल्लू और दरोगा भी वहां पहुंच जाते हैं। ए लल्लन रुक जा, आगे खाई है, अब तू भाग कर कहीं नहीं जा सकता, बेवकूफी मत कर। तभी वो चुड़ैल भी उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है। ए लल्लन याद कर, ये वही जगह है जहाँ से तूने मुझे धक्का देकर जान से मार दिया था। हाँ मुझे याद है, लेकिन कोई भी ये साबित नहीं कर पाया, इसलिए मैं अब आजाद हूँ, अब तुम में से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो लल्लन पर हमला कर देती है, लेकिन जाकर भी वो लल्लन का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इसका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रही? अब कोई फायदा नहीं है चुड़ैल, तू एक आत्मा है, इसलिए तू मुझे चाह कर भी छू नहीं सकती। चुड़ैल जी, आप इसे छू नहीं पाओगे, आप एक काम करो, आप मेरे शरीर पर अपना कब्जा कर लो, फिर आप इस पापी को मजा चखा पाओगे। लेकिन इस आदमी में तुम्हारी जान भी जा सकती है, सोच लो। कोई बात नहीं चुड़ैल, इस जैसे पापी को सजा दिलवाने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। फिर वो चुड़ैल कल्लू के अंदर घुस जाती है। अब तेरा क्या होगा रे लल्लन? ए कल्लू खबरदार, अगर तूने मुझे छूने की कोशिश भी की तो। अरे मर गया रे, छोड़ मुझे, मैं कहता हूँ छोड़। देख लल्लन, पहाड़ी से नीचे देख, ये वही जगह है जहाँ से तूने मुझे धक्का मारा था, अब तेरी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जा। फिर कल्लू उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। अरे मर गया रे। फिर लल्लन के मरते ही वो चुड़ैल कल्लू के शरीर से बाहर आ जाती है। चुड़ैल जी, अब आपका बदला पूरा हो गया है, अब आप भी शांति से इस लोक को छोड़कर जा सकती हो। फिर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चलो दरोगा साहब, वापस जेल चलते हैं, आप मुझे वापस ले जाकर बंद कर दीजिए। नहीं कल्लू, तुमने आज जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, तुमने किसी और के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की, अब से तुम आजाद हो, तुम भी अब ईमानदारी से मेहनत करके अपनी जिंदगी बिता सकते हो। फिर वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते।